हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं अर्पी पटेल बात करूंगा आपसे जुड़े में हिंदी के नए मॉक टेस्ट के संबंध में। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। देखिए, मैंने एक लाइन लिखी हुई है, समय के साथ चलने वाला ही जीतता है। बिल्कुल सही है ये। अगर आप समय का दुरुपयोग करेंगे तो आपकी विजय कभी नहीं होगी, लेकिन समय का सदुपयोग करते हुए चलेंगे, क्योंकि आपका जो टेट के एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होने वाला है, तो समय देखा जाए तो ज़रा सा है। अभी कुछ दिनों के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ये पढ़ना बाकी है, वो पढ़ना बाकी है, तो समय का सदुपयोग करते चलिए और आपकी जीत जरूर होगी। तो शुरू करते हैं अपना मॉक टेस्ट। इस वीडियो में आपको 30 प्रश्न मिलेंगे और 30 में से अगर आप 21 प्लस सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। और ये जितने भी प्रश्न हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। देखिए, आप लोग हिंदी बाल विकास और पर्यावरण अध्ययन में जो है 25 का टारगेट बना के चलेगा, यानी आपको इन तीन सब्जेक्ट में 75 से अधिक अंक लेने हैं, तभी आप 120 प्लस अंक ले पाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। खैर, शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना समय गवाए हुए। पहला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी बताइए, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा है? बी ऑप्शन इसका सही है, औद्योगिकरण। इस प्रकार से जो है लिखा जाता है। जयद्रथ वध रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध जी की, जगन्नाथ रत्नाकर या घनानंद जी की? ये रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की। जाके सिर मोर मुकुट मैरो पत सोई, पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा, तुलसीदास, मीराबाई या गुलबदन बेगम? ये रचना है मीराबाई जी की। उग्र किसे कहते हैं? रामेश्वर लाल दुबे, पांडे, बेचन शर्मा, नरेश मेहता आगे? उग्र कहते हैं पांडे बेचन शर्मा जी को। भारत भारती के रचयिता हैं गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त? भारत भारती रचना किसकी है? ये है मैथिली शरण गुप्त की। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र, राष्ट्रीयता। तो ये है राष्ट्रीयता। संबंधवाचक सर्वनाम बताएं, कोई, कौन, जो, वह। संबंधवाचक सर्वनाम आपका है जो। भीतर जाकर बैठिए, इस वाक्य में क्रिया विशेषण निहित है। स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक? भीतर जाकर बैठिए, इसमें जो क्रिया विशेषण निहित है वो है आपका स्थानवाचक। अगला प्रश्न है, स्थान भरना है, वह मुझे अपने बड़े भाई, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? मानता है योग्य भांति तरह जैसा, वह मुझे अपने बड़े भाई जैसा मानता है। अगला है, पूजा ग्रह एक जगह भरनी है, जलाने मात्र से चमचमा उठता था, कनी, निका, कंदील, चंदोबा, कंदर्प? पूजा ग्रह एक कंदील जलाने मात्र से चमचमा उठता था, घनाक्षरी छंद है, मात्रिक, वर्णिक, आक्षरिक या कोई नहीं? घनाक्षरी छंद है, वर्णिक। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? कुंडलिया, सवैया, बरवे, हरगीतिका? दोहा और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो ये बनता है कुंडलिया। जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, दीपक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार? तो ये होता है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए, हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 30 में से 30 अंक ले सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात है कि आपको हर टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर करना है हिंदी का, क्योंकि विलोम शब्द है, तद्वत तत्सम है, पर्यायवाची है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं, समास है, संधि है, रस छंद अलंकार है। इनको आप अगर अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे तो मान के चलिएगा आपके 25 अंक पक्के हैं। उसके बाद आपको
हिंदी का इतिहास तैयार करना है, ठीक है। और अगर बाय चांस पैराग्राफ आ जाता है तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो अच्छे से अंक आएंगे। तो इन सबको जो है अच्छे से तैयार करते चलिए। अलंकार है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई, रूपक यमक, प्रतीप उपमा। देखिए चरण कमल बंदो हरिराय में रूपक अलंकार है। निर्वेद स्थाई भाव किसका है? रति रस, शांत रस, करुण रस, भयानक रस। निर्वेद स्थाई भाव किसका है? निर्वेद स्थाई भाव है शांत रस का। देखिए मैंने एक दो दिन से कमेंट में देखा है कि लोग बताते हैं कि सर ये क्वेश्चन न्यूसेंट से हैं, ये क्वेश्चन मैग्रा हिल से हैं। अरे भाई क्वेश्चन कहीं से भी हो महत्वपूर्ण है, ये सोचिए आप लोग। और कितना भी आप लोग पढ़े होते हैं ल्यूसेंट से, मैग्रा हिल से, 30 में 30 अंक तो कोई नहीं कमेंट करके बता पाता है। हाँ झूठ भले ही बता दे कि सर मेरे 30 में से 30 अंक आ रहे हैं, तो पता नहीं पब्लिकेशन बता के चले जाते हैं, इस पब्लिकेशन से पढ़ा रहे हैं, उस पब्लिकेशन से पढ़ा रहे हैं। भाई जहाँ से अच्छा मैटर मिलेगा वहीं से तो पढ़ाएंगे। खैर छोड़िए इस बात को। तो निर्वेद रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शांत रस। आगे बढ़ते हैं। अब लव नसानी अब ना नसहियों में रस है, शांत रस, करुण रस, भक्ति रस कोई नहीं। तो इस लाइन में जो रस है वो है शांत रस। देखिए लोगों को अच्छा नहीं पसंद आता है, उनको चापलूसी पसंद आती है। अब मैं चापलूसी नहीं कर पाता हूँ तो लोग लगता है कि मैं सही से नहीं पढ़ा पाता हूँ। मैं देखता हूँ लोग जो है आते ही आते मार इतना भर देते हैं कि लगता है ये बहुत ही अच्छा पढ़ाएंगे। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, उसकी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं, आप लोग जानते ही हैं कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ या बुरा पढ़ाता हूँ, वो लोग आप लोग ही जानते हैं। लेकिन चापलूसी नहीं कर पाता हूँ मैं कि आते आते मैं चापलूसी करूँ, ये मेरी आदत नहीं है। तो समय का सदुपयोग करिए और जो आपको जहाँ से अच्छा मिल रहा है वहाँ से पढ़िए, मैं ये कहना चाहता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे चैनल से ही पढ़िए, बहुत सारे अच्छे चैनल हैं तो सभी से पढ़िए। अगला है जो कानून के अनुकूल ना हो, जघन्य, अवध, आवेग, अवैध। तो इसका ऑप्शन आपका डी से अवैध। भला चाहने वाला, निस्वार्थ, पुण्यात्मा, हितैषी, सहायक। देखिए जो भला चाहने वाला होता है वो होता है हितैषी। वानर का तद्भव है वानर, बंदर, बांदर, बांदर। तो वानर का तद्भव शब्द है बंदर। अज्ञान का तद्भव होगा अनजान, लवंग, अजाना, अजान। तो अज्ञान का जो तद्भव होता है वो होता है अजान। ढपोर संघ मुहावरे का अर्थ बेवकूफ, डरपोक, हार जाना कोई नहीं। तो ढपोर संघ का मुहावरे का जो अर्थ है वो होता है बेवकूफ। आगे जो प्रश्न है वो विलोम शब्द पर है, आपको बताना है। संकीर्ण का विलोम शब्द होगा अनुदार, उत्कीर्ण, उदार, विकीर्ण। संकीर्ण का विलोम शब्द होगा विकीर्ण, इसे विस्तीर्ण भी कहते हैं। अगर विस्तीर्ण भी आएगा तब भी आप उसको टिक कर सकते हैं। वेष्ट का विलोम शब्द है समास, समवेत, समस्त, समस्त। वेष्ट का विलोम शब्द है समस्त। तृष्णा का विलोम शब्द है वितृष्णा, निष्प्रह, संतुष्ट, वितृप्त। जो तृष्णा है इसका विलोम शब्द होगा वितृष्णा। तो अब है पर्यायवाची प्रश्नों पर शब्द, बताने आपको। मार का पर्याय होगा जादू, स्वर्ण, अधम, अनंग। तो मार का पर्याय है आपका अनंग। शिव, शिव जी का पर्यायवाची क्या होगा? शिवालय, रुद्र, रुद्राच, हरि। तो शिव जी का जो पर्याय है वो है रुद्र। अगला है जनार्दन, जनार्दन का पर्यायवाची है राम, कृष्ण, विष्णु, ब्रह्मा।
तो इसका पर्याय होगा विष्णु। जनार्दन जो है वो विष्णु जी का पर्याय होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सप्तऋषि में समास है दिगु द्वंद्व अव्यय बहुब्रीह। दिगु जय पराजय में समास है दिगु बहुब्रीह कर्मधारय द्वंद्व। द्वंद्व परमानंद में समास है कौन सा है? कर्मधारय बहुब्रीह दिगु अव्यय। तो परमानंद में समास है कर्मधारय। इस प्रकार से आज के हमारे 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। 30 में से जितने भी प्रश्न सही करें कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।